ह्यूमैनिटी को सर्व करना, मेडिकल की फील्ड में आना बहुत सारे युवाओं का सपना होता है कि वह मेडिकल की फील्ड में आकर के अपने योगदान को दे पाए। और अगर हम कहें कि धरती पर भगवान, अगर हम किसी को कहते हैं जब हमारे सामने कोई भी विपदा का समय आता है, विपत्ति का समय आता है, तो हमारे लिए डॉक्टर्स का रोल सबसे ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि वही हमें बड़े से बड़े रोगों का इलाज करके देते हैं और हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। बहुत सारे युवा मेडिकल के क्षेत्र में आना चाहते हैं, मेडिकल की फील्ड में आना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अगर 10वीं पास कर चुके हैं, किस तरीके से आप एक डॉक्टर बन सकेंगे और इस नोबल प्रोफेशन के अंदर अपने योगदान को दे पाएंगे और अपना, अपने माता पिता, अपने गुरुओं के लिए बहुत अच्छा करके आप दिखा पाएंगे। सबसे पहले जान लें कि अगर आप एक 10th पास स्टूडेंट हैं और आपका भी सपना है कि आप एम्स जैसे, जिप्मर जैसे बहुत सारे बेहतरीन गवर्नमेंट कॉलेजेस से आप यहां पर डॉक्टर बनना चाहते हैं, MBBS, BDS, BAMS, BHMS की डिग्री आप लेना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे पहला ऑप्शन है कि आपको क्लास 10th के बाद PCB स्ट्रीम का चुनाव करना होगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास 11th में आपको लेना होगा। यही आपकी पहली एलिजिबिलिटी होगी जो आपको आपके सपनों की उड़ान तक लेकर के जाएगी। जो आपने सपना क्लास 10th में PCB लेने के बाद देखा है, उससे पहले देखा है, उस सपने की शुरुआत यहीं पर होगी कि आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप 12th पास होने चाहिए विथ PCB स्ट्रीम, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ आपने 12th पास किया हो और इसी तरीके से आप इस फील्ड के अंदर आ सकते हैं। बात करें इसके एग्जाम की, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि हर साल NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, NEET UG का एग्जाम कराया जाता है, जिसका पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट NEET एग्जाम। हर साल गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, यानी कि इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस के लिए इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहां पर आपके 720 मार्क्स के पेपर होते हैं, जिसके अंदर आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पेपर में आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है, यानी कि आप अगर क्वेश्चंस को गलत करते हैं तो आपको यहां पर निगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। ऑफलाइन पेन पेपर टेस्ट आपका इस एग्जाम को कराया जाता है, जो कि NTA के द्वारा हर साल इस एग्जाम को कराया जाता है। बात करें कोर्सेज ऑफर्ड की, तो यहां पर आपको बता दें कि अगर आप NEET UG एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आप MBBS, BDS, BHMS, BAMS, यानी कि आप यहां पर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी और इसके साथ ही साथ आप होम्योपैथ और आयुर्वेदा के अंदर अपने कैरियर को आप बना सकते हैं। बात करें इस कोर्स की ड्यूरेशन की, तो अगर आप एक MBBS के स्टूडेंट हैं, MBBS के छात्र हैं, तो आपकी कोर्स की ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स होती है, जिसके अंदर 4.5 ईयर्स आप अपने कोर्स के बारे में चीजें पढ़ते हैं और 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होती है। बात करेंगे कोर्सेज के बारे में, फीस के बारे में, तो सबसे पहले जान लें, आप अगर एक गवर्नमेंट कॉलेज को निकाल लेते हैं, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस में आप पहुंच जाते हैं, तो आपकी फीस बहुत ज्यादा कम होगी, जितना आपने इमेजिन नहीं किया होगा। एम्स की फीस की बात करें तो 5000 से 10000 पर ईयर आपकी फीस होती है। और इसके बाद आपको बता दिया जाए कि अगर आप जिपमर जैसे बेहतर इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तब भी आपकी फीस 20000 से 25000 पर ईयर होगी। और गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 90000 से लेकर के 120000 पर ईयर आपकी यहां पर फीस होने वाली है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस 5 लाख से लेकर के 20 लाख पर ईयर तक भी आपकी फीस जा सकती है। बात होगी कि कैसे इंस्टीट्यूशन में आपने अपने आप को एनरोल कराया है। लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप जाते हैं तो आप बहुत ही कम फीस के अंदर इस पढ़ाई को कर सकते हैं और इस नोबल फील्ड के अंदर आ सकते हैं। अब बात करेंगे कि इस एग्जाम के कॉम्पिटेटिव लेवल के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इसे माना जाता है, क्योंकि मेडिकल के क्षेत्र में हर युवा
अपना करियर बनाना चाहता है तो बहुत ही टफ एग्जाम आपको देखने को मिलता है। और अगर कहा जाए कि मेडिकल का सबसे बड़ा एग्जाम तो वही आपका नीट यूजी का एग्जाम है, जिस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत सारे युवा कड़ी मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले आपको पीसीबी स्ट्रीम का चुनाव करना है, इसके बाद आपको नीट एग्जाम के अंदर बहुत बेहतरीन स्कोर करना होगा, और इसके साथ ही साथ आपको जो भी रिजर्वेशन है EWS, OBC, SC, ST, जो भी आपको बेनिफिट्स हैं, वो आपको मिलते हैं। आपके स्टेट कोटा से सेंट्रल लेवल पे जो भी आपके रिजर्वेशन है वो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको नीट एग्जाम के बारे में जानकारी देने में सफल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप करिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।